और अब चलते हैं खैरतल तिजारा जिले की खबरों की तरफ। इफको द्वारा खैरतल जीएसएस में किसान सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अलवर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से वरिष्ठ प्रबंधक शेष कुमार शर्मा, व्यवस्थापक राजेश शर्मा, सहायक व्यवस्थापक तरुण वासु शामिल रहे। इसके अलावा प्रगतिशील किसानों की भागीदारी रही। इफको के क्षेत्रीय प्रबंधक डॉक्टर गोपेश किशोर शर्मा ने नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। इसके अलावा कृषि स्नातक अभिषेक चौधरी द्वारा जैव उर्वरकों आदि के बारे में बताया गया। वहीं सुरेंद्र चौधरी ने सभी किसानों का धन्यवाद ज्ञापित किया। जैसे 100 करोड़ का लाभ हो, 5 रुपए का हो या 500 करोड़ का हो, अगर जो भी है हमारे जैसे आदमी जो नौकरी कर रहा है, सेवाएं दे रहा है और उसकी तनख्वाहें पा रहा है, बाकी जो भी लाभ होता है वो डिविडेंड के रूप में सोसाइटियों में वितरित होता है, ना किसी एक आदमी की जेब में जाता है ना सरकार की जेब में जाता है, वो जो सारा पैसा है। इसीलिए यानी हमारा मैं बता रहा हूँ ना, इसको पे जो किसानों का जो अंधविश्वास है वो इसीलिए कि आज तक हमारा कोई सा भी प्रोडक्ट जो कि किसी एक आदमी की जेब में जाना नहीं है, सरकार की जेब में जाना नहीं है, सारा जो बोर्ड बनता है वो लगभग किसान ही है। जो यहाँ पे जो चेयरमैन बना, पहले हमारे अपने सुरेंद्र जाखड़ जी थे, बलराम जाखड़ जी के लड़के थे, वो हमारे चेयरमैन थे। उसके बाद में हमारे सरदार बलिंदर सिंह नकई साहब थे, वो चेयरमैन थे। अभी दिलीप संघाणी जी है गुजरात के, वो चेयरमैन है। तो हमारा जो भी सुपर नहीं आता है उसका कारण ये है कि मैं ये कहता हूँ सिंगल सुपर फास्फेट सबसे बढ़िया खाद है, लेकिन वो उस क्वालिटी का नहीं बढ़ पाता है। कल ही भारत सरकार ने, मैंने ग्रुप में डाला था, 3 कंपनियों की सब्सिडी दिल्ली से ही बंद कर दी।